हेलो फ्रेंड, मैं उस्यानी मिश्रा, स्वागत है आप सभी का डिज़ाइनपुर में। आज बैक ब्लाउज डिज़ाइन बताएंगे, तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज की जो लंबाई रखी है वो 13.5 इंच है, इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है, शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच रखे हैं, आर्म होल की भी 5.5 इंच रखिएगा। गले की चौड़ाई में देखिए 2.5 इंच रख रही हूँ, 2.5 इंच, और नीचे की साइड से भी 3 इंच पर मार्क कर देंगे। दोनों मार्किंग को बराबर करते हैं, यहाँ से एक लाइन बराबर में ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। गले की लंबाई लेंगे तो मैं 10 इंच रख रही हूँ अपने अकॉर्डिंग, जितना लेंथ आप कुछ ये मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने गले की पूरा लेंथ की मार्किंग कर दी। अब डिज़ाइन का मार्क करेंगे तो मैं मटका शेप में गले का मार्क करूँगी, थोड़ा सा वी शेप में रहेगा, तो पान गला इसे भी बोलते हैं, तो आप पान गला भी शेप इसे बोल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मार्किंग करके कटिंग कर दीजिएगा। अब इसके साथ में ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे और इसकी भी सेम कटिंग कर देंगे जैसे अस्तर की है। दोनों को बिल्कुल बराबर में रखेंगे और सिलाई लगाते हुए गले की पूरी स्टिचिंग कर लेंगे। तो मैंने देखिए अस्तर कपड़े को बराबर रखते हुए पूरा अटैच कर दिया एक दूसरे के साथ में। पूरे गले पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने से जब गले को पलट कर सीधा करते हैं डिज़ाइन बिल्कुल बराबर में आती है। तो कॉर्नर से भी अच्छे से कट लगा लीजिएगा। तो ये मैंने पूरे कट लगा लिए छोटे छोटे, पूरे गले को पलट कर सीधा कर देंगे। तो ये देखिए कट लगाने की वजह से गला बिल्कुल अपने शेप में आ चुका है। इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और इसकी फिनिशिंग दे देंगे, इससे डिज़ाइन जो उभर कर दिखने लगेगी। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली गले की फिनिशिंग दे दिया है। अब ब्लाउज की ऑलराउंड स्टिचिंग करेंगे। अस्तर कपड़े को बिल्कुल बराबर रखिएगा और इसके साइड से सिलाई लगाते हुए दोनों पार्ट्स को एक साथ में अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों पार्ट्स को साथ में सिलाई लगाते हुए अटैच करते हुए कम्प्लीटली स्टिच कर दिया। नीचे की साइड से टक्स लगाएंगे, तो माप लेंगे, बराबर माप लेते दोनों साइड से टक्स को लगा देंगे। तो एक साइड से देखिए मैं कैसे टक्स की स्टिचिंग कर, इस तरीके से कर लीजिएगा। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी टक्स को स्टिच कर देंगे। अब ये टक्स लगाने के बाद नीचे का मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने ये अस्तर लिया है। अस्तर की एक पट्टी कट की है जिससे नीचे का बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर को पहले नीचे की साइड से पूरा स्टिच कर देंगे। तो ये स्टिचिंग मैंने कर दिया। अभी जो पट्टी स्टिच की इसको फैलाएंगे, इसके ऊपर से एक सिलाई लगाते हैं, इसके ऊपर फिनिशिंग दे देंगे। तो ये देखिए फिनिशिंग दे दिया है। अब इसको डबल फोल्ड करना है, फिर ब्लाउज के साथ में जॉइंट करना है, नीचे का बॉर्डर बनाते अच्छे से पूरा स्टिच कर देना है। तो मैंने देखिए कम्प्लीटली नीचे का बॉर्डर बना दिया। अब इसके गले पर डिज़ाइन करेंगे, तो ब्लाउज को साइड रखते हैं और डिज़ाइन करने के लिए मैंने एक पट्टी कट की है। इसको ये स्ट्रेचबल है, क्रॉस में कटिंग किया, इसको डबल फोल्ड करके साइड से सिलाई लगाते हैं। दोनों पार्ट्स को एक साथ में अटैच कर लीजिएगा इसी तरीके से, तो एंड तक इसी तरीके से स्टिच कर लीजिएगा। कि मैंने कम्प्लीटली पट्टी को बना दिया है। अब जो ये पट्टी बनाई इसको साइड करके ब्लाउज लेंगे। ब्लाउज गले पे इसकी पाइपिंग करेंगे, तो पहले इसको ब्लाउज के गले बिल्कुल बराबर में अटैच कर देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली इसको अटैच कर दिया। एक्स्ट्रा कट करके निकाल देंगे, राउंड करते बिल्कुल पतली सी पाइपिंग बनाएंगे और सिलाई लगा के पाइपिंग को अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो क्लियर आपको गले पे समझ में आ रहा होगा मैं पाइपिंग कैसे कर रही हूँ, इस तरीके से आपको करना है। मैंने देखिए पूरी गले पे ये पाइपिंग आपको करके दिखा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। इसको साइड रखेंगे ब्लाउज को, और मैंने ये कुछ फैब्रिक स्क्वायर में कट की, इनकी लंबाई चौड़ाई जो रखी 2.5 इंच 2.5 इंच है। इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करना है। एक डिज़ाइन लिए, इसको 4 पार्ट क्रॉसिंग में फोल्ड करेंगे, फिर नीचे की साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से पूरे डिज़ाइन बना लेंगे। तो मैं आपको ये कुछ डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ, और सारे डिज़ाइन मैंने सेम ऐसे ही बना लिया है। इनके थ्रेड को कट करते हुए अलग अलग करेंगे और इसको साइड रखते हैं। अब ब्लाउज लेंगे, अब ब्लाउज साथ में वो डिज़ाइन भी लेंगे जो मैंने अभी बनाया है, और सारे डिज़ाइन मैंने ले लिया है साथ में।
इनको देखिए, ब्लाउज गले में हाफ इंच की गैपिंग रखते हुए फिर डिजाइनों को अटैच करें। इसी तरीके से आप भी गैपिंग रखते हुए फिर डिजाइनों को अटैच कीजिएगा। अब पूरे गले पे मैं डिजाइन को कैसे अटैच करूँ क्लियर आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही कर दीजिएगा। मैंने देखिए पूरा कम्प्लीटली डिज़ाइन को इस पर अच्छे से बना दिया है। स्टिच करती हूँ, अब इसकी डेकोरेशन करेंगे। यहाँ से लेस लगाते हो, अच्छे से लेस को भी स्टिच कर देंगे ब्लाउज के साथ में ही। जहाँ से डिज़ाइन को मैंने स्टिच किया था सेम उसी जगह से लेस को भी अटैच कर रहे हैं। ये लेस की स्टिचिंग मैंने कर ली, इसके ऊपर ब्लाउज को साइड रखेंगे। आगे का डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक पट्टी कट की है, इसकी चौड़ाई जो रखी 1.5 इंच रखी। दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए बराबर में फोल्ड करके बीच से फोल्ड कर दीजिएगा। फिर साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन को अच्छे से स्टिच कर लीजिएगा। कि मैंने देखिए डिज़ाइन को अच्छे से एक साइड से स्टिच कर दिया, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी सिलाई लगा के बना देंगे डिज़ाइन को। तो मैंने दोनों साइड से सिलाई लगाते हुए डिज़ाइन की स्टिचिंग कर दी है। अब इसको डिज़ाइन करने के लिए कट करेंगे तो 1.5 इंच की लंबाई पर माप लेंगे। 1.5 इंच के बराबर जितनी पट्टियाँ हैं सबको फोल्ड कर दीजिएगा। और इसी बार मैंने सबको फोल्ड कर दिया, दोनों साइड से कटिंग करते इसको अलग अलग पार्ट में कर लेंगे। ये पट्टियाँ बन चुकी है, इनको भी साइड रखेंगे। और मैंने न्यूज़पेपर लिया, डबल फोल्ड करके न्यूज़पेपर को रखी थी, इसके ऊपर ब्लाउज को भी डबल फोल्ड करके रख दीजिएगा। अब गले के बराबर पहले इसके ऊपर मार्किंग करेंगे न्यूज़पेपर के ऊपर, और 1 इंच के बराबर में एक एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा मार्किंग किए हैं यही मार्क को पहले कट कर देंगे। मैंने देखी कटिंग इसके ऊपर कर दिया है। अब क्या करेंगे, दूसरी साइड से सेम ऐसी मैंने मार्किंग कर दिया। ये मैंने पट्टियां ले ली है जो लुक्स बनानी है जिनकी। अब इनको डबल फोल्ड करते हुए डिज़ाइन जो न्यूज़पेपर के ऊपर मार्क किए गले के बराबर में उसके ऊपर अटैच करना है, और बीच में थोड़ी थोड़ी गैपिंग देते जाना है। इसी तरीके से पूरे गले पर डिज़ाइन बना लीजिएगा। मैंने देखिए पूरे गले पे डिज़ाइन को बना दिया है। अब क्या करेंगे, इसको ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को अटैच करेंगे। तो ब्लाउज ले लेते हैं, इसके दोनों को इक्वली बराबर में रख देंगे और पिन कर देंगे। ये सीन मेरा कट गया है, मैंने आपको दिखा नहीं पाई कैसे आपको बराबर रखना है। फिर इसको अटैच कर देंगे ब्लाउज के साथ में, न्यूज़पेपर को पूरा रिमूव कर देंगे। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है, बहुत ही सिंपल सी डिज़ाइन थी। डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।